लेकिन मैं पूछना चाहना भगवंत सिंह मान होना नूं कि पिछले 45-50 दिन तो अज तक SIT ने मिनिस्टर नूं बुलाया तक नहीं, ना उन्होंने वीडियोस कन्फ्रंट कीतियां कि ये वीडियोस तेरियां हन कि नहीं हन। देखिए उहदा निजी मामला है जी, यह निजी मामला नहीं गा मान साहब, ये कटारू चक्कर का एक अपना परिवार है ऑलरेडी, उहदा कोई भी कंडक्ट जिहड़ा उहदा बहुत वड्डा इंपैक्ट पैंदा अपने नौजवानों ते पंजाब दे लोकां ते आम जनता। और सेम सैक्स मैरिज लेकिन अज तक गैर कानूनी है, हुण तक अज जिथे आपां गल कर रहे गैर कानूनी है, सेम सैक्स मैरिज गैर कानूनी, लेकिन कटारू चक ने एक नौजवान नूं सोडमाइज किया, उहदे नाल भैड़ी अश्लील बदफैली की। SC कमीशन ने पंजाब सरकार नूं नोटिस दिता, कोई कार्रवाई नहीं। फिर उस नौजवान ने शायद उहदा नाम केशव आ, उसने फिर SIT नूं चिट्ठी लिखी कि तुसीं मेरे बयान दर्ज कर सकते हो, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ते अवेलेबल हाँ, मेरी जान नूं खतरा वा, कोई कार्रवाई नहीं। हुण SC कमीशन ने 3 नोटिस भेजे ने कि सानू दस्या जाए तुहाडी एक्शन टेकन रिपोर्ट की, ATR कोई एक्शन नहीं। पंजाब के गवर्नर ने 3 चिट्ठियां लिखतियां पंजाब के चीफ मिनिस्टर नूं कि कटारू चक नूं डिसमिस किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की, कोई एक्शन नहीं। कि यह आम जनता का तो पंजाब का मुद्दा नहीं गा? दोस्तों आप सब ने देखा कि पिछले दिनों में जो पंजाब का राजनीतिक म्यार है वह काफ़ी गिरिया वा, पर्सनल अटैक्स एक दूजे के उत्ते, ओपोजिशन वालों भगवंत सिंह मान ते, फिर भगवंत मान का कल जवाब देना। और इस गल ना मैं सहमत हाँ, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पर्सनल अटैक्स की बजाय, निजी हमलों की बजाय मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। हुण अज तुहाडे सन्मुख मैं 2 मुद्दे रखना चाहना और भगवंत सिंह मान को पूछना चाहना कि यह तो मुद्दे मानते हैं ना तुसी, एक कटारू चक का जो शरीरक शोषण किया उसने पिछले दिनों में एक नौजवान का, और वो पुख्ता वीडियो सबूत गवर्नर ने वेरीफाई करके पंजाब सरकार को भेजे हुए हैं। तो दूसरा मुद्दा हैगा पंजाब दे विच प्रेस की आज़ादी, जो पिछले दिनों बरजिंदर सिंह हमदर्द और उन्होंने अदारे अजीत ते जिस ढंग का विजिलेंस का हमला किया गया, असी विजिलेंस की किसी भी तहकीकात के खिलाफ नहीं गए, पर फिर दिल्ली चीका मत मारो जो मनीष सिसोदिए या सतेंद्र जैन या अरविंद केजरीवाल इन्वेस्टिगेट करती है CBI बहुत वड्डे शराब घोटाले सैकड़ा करोड़ों के, फिर तुम उत्ते धरने मार दो शोर मचाओ। सो पहला मैं गल करना चाहना वा कटारू चक के मुद्दे की। तुम सब नूं याद होगा कि मैं 1 मई गवर्नर पंजाब नूं 2 अश्लील वीडियोज़ कटा लाल चंद कटारू चक दियां उन्हां नूं सौंपियां, सोशल मीडिया से नहीं पाइया क्योंकि उहदे नाल बड़ा माड़ा इफेक्ट जाना सीगा। गवर्नर पंजाब ने उन्हां दी तस्दीक की, फोरेंसिक लैब चंडीगढ़ कोलों उन्हां नूं वेरीफाई कराया और उन्होंने पहली चिट्ठी लिख के भेज दी पहले हफ्ते मई के भगवंत मान नूं कि इहदे ते प्रॉपर कार्रवाई की जाए। उस चिट्ठी के उत्ते SIT बना दी गई, एक स्पैशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम 3 मैंबर्स की। लेकिन मैं पूछना चाहना भगवंत सिंह मान हुणां नूं कि पिछले 45-50 दिन तो अज तक SIT ने मिनिस्टर नूं बुलाया तक नहीं गा। बेसिक लॉ हैगा कि जो भी कोई पुलिस को शिकायत जाती है उन्हें पहला एक्यूज नूं लभना, उसनूं उहदी बयान रिकॉर्ड करनी, उहदी इन्वेस्टिगेशन करनी, उसकी इंटरोगेशन करनी। लेकिन अज तक SIT ने ना कटारू चक नूं बुलाया, ना उन्होंने वीडियोज़ कन्फ्रंट कीतियां कि ये वीडियोज़ तेरियां हन कि नहीं हन। बस यही कही जाते कि उहदा निजी मामला है जी, ये निजी मामला नहीं गा मान साहब, ये कटारू चक का एक अपना परिवार है ऑलरेडी और वह एक पब्लिक लाइफ विच उहदा कोई भी कंडक्ट जिहड़ा उहदा बहुत वड्डा इंपैक्ट पैंदा अपने नौजवानों ते पंजाब दे लोकां ते आम जनता। और सेम सैक्स मैरिज अज तक सुप्रीम कोर्ट में उहदा चल रही बहस चल रही, लेकिन अज तक गैर कानूनी है, हुण तक अज जिथे आपां गल कर रहे गैर कानूनी है, सेम सैक्स मैरिज गैर कानूनी। लेकिन कटारू चक ने एक नौजवान नूं सोडमाइज किया, उहदे नाल भैड़ी अश्लील बदफैली की। उस नौजवान ने पहला जाके SC कमीशन का दरवाजा खड़काया दिल्ली, SC कमीशन ने पंजाब सरकार नूं नोटिस दिता, कोई कार्रवाई नहीं। फिर उस नौजवान ने शायद उहदा नाम केशव आ, उसने फिर SIT नूं चिट्ठी लिखी कि तुसीं मेरे बयान दर्ज कर सकते हो, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ते अवेलेबल हाँ, मेरी जान नूं खतरा वा, कोई कार्रवाई नहीं। हुण SC कमीशन ने 3 नोटिस भेजे ने कि सानूं दस्या जाए तुहाडी एक्शन टेकन रिपोर्ट की, ATR कोई एक्शन नहीं। पंजाब के गवर्नर ने 3 चिट्ठियां लिखतियां पंजाब के चीफ मिनिस्टर नूं कि कटारू चक नूं डिसमिस किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की, कोई एक्शन नहीं गा। कि यह आम जनता का तो पंजाब का मुद्दा नहीं गा? कि इस इहदा मतलब कि जिहड़े ताकतवर लोग ने वह अपनी शक्ति का दुरइस्तेमाल करके कोई भी कार्रवाई कर सकते? और मेरी तो जानकारी मुताबक जिहड़ा वह नौजवान हैगा वह पिछले काफ़ी दिनों तो सरकार के कोल आ,
और वह पंजाब दे विच आ, वह पॉसिबली एस आई टी की कस्टडी आ, उन्हूं प्रेशराइज करके गलत मलत बयान दवाना चाहते हैं, तो मंत्री नूं क्लीन चिट दवाना चाहते हैं। सो मान साहब ये तो किसी ये तो कोई निजी हमला नहीं गा, ये तो एक मिनिस्टर दे सैक्शुअल मिसकंडक्ट का एक बहुत वड्डा पब्लिक इशू आ। आई होप कि तुसीं आने वाले दिनों ये कार्रवाई करो। हुण आपां गल करते हैं प्रेस की आजादी दे, एक गल कहने की लोड़ नहीं कि सारी पंजाब दे मीडिया नूं इस वक्त हाईजैक किया हुआ आम आदमी पार्टी सरकार ने। दो तरीके ने, वो कहते हैं कैरट एंड स्टिक पॉलिसी, बहुतियां नूं लालच नाल खरीद लिया, वड्डे 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 एड्स आ, तुसीं देखोगे अखबारां विच दो दो सफ़े दे असल इश्तहार होंदे ने, लेकिन आपां नूं पढ़ने वाले नूं लगता कि जिदा खबरां पढ़ रहे आपां। इह सारी पेड एडवरटाइजमेंट हैगी आ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नूं। तुसीं देखोगे ओपोजिशन का कोई चेहरा नहीं दिखाया जा रहा इस्टैबलिश्ड प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से। कुछ वैब चैनल्स ने जिहड़े सरकार नाल लड़दे ने, जिन्हां ते कार्रवाई हुंदी, और जिहड़े नहीं मनदे उन्हां दी गल, उन्हां ते फिर परचे दर्ज होणे। बहुत सारे छोटे वैब चैनल जिहड़े सीगे अनम्यूट और अकाल टीवी, बहुत सारे वैब चैनल जिहड़े सीगे उह सरकार ने धक्के नाल बंद करवा दित्ते सीगे। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स जिहड़े सस्पेंड कराते सी जिहड़े भी सरकार का विरोध करदे आ। इहदा मतलब है कि जो केजरीवाल साहब मोदी ते इल्जाम लाउंदे कि उत्थे जी इहनें गोदी मीडिया बनाता वा, बिल्कुल इन बिन उही पॉलिसी आम आदमी पार्टी भगवंत सिंह मान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दे विच मीडिया दे उत्ते अप्लाई कीती हुई है। हुण आ गई आपां गल करदे बरजिंदर सिंह हमदर्द दी। हमदर्द एक रिनोन्ड पंजाबी विश्व प्रसिद्ध डेली है। तुसीं कहिंदे जी असीं जंगे आजादी का तहकीकात करनी विजिलेंस, तां तुसीं नोटिस भेज रहे हो, पर याद रहे कि उन्हां दीआं एड्स कई महीने पहलां तुसीं बंद कीतीआं, क्योंकि पॉसिबली अजीत तुसीं जिद्दां अजीत नूं चलाउणा चाहुंदे सीगे, अजीत उस तरह चलना नहीं चाहती, वो तुहाडी गल मनना नहीं चाहती सी, वो अपनी गल इंसाफ पसंदी नाल रखना चाहती सी। फिर तुसीं उहदे ते प्लैंड तरीके दे नाल एक विजिलेंस दे जांच दे हुक्म दित्ते आ। और जिदां मैं शुरू च कहा सीगा कि पंजाब दे विच तुहाडी विजिलेंस जांच करे ते इह भ्रिष्टाचार नाल जुड़ियां खबरां बना दिंदे हो कि भ्रिष्टाचार दे खिलाफ कार्रवाई कीती, जे इही कार्रवाई CBI या ED दिल्ली तुहाडे मिनिस्टर्स दे खिलाफ करदी आ। सतिंदर जैन पिछले साल सवा साल दा जेल सीगा, और मनीष सिसोडिया नूं हाई कोर्ट ने जमानत उहदी रिजेक्ट कीती आ। अक्सर कुछ तां सबूत होणगे अदालत दे सामने CBI ने रखे, जिहड़े सैकड़े करोड़ दा शराब दा घोटाला, फिर जदों उत्थे CBI तुहानूं इन्वेस्टिगेट करदी तुसीं कहिंदे जी बहुत वड्डी विंडेटा हो रहा वा, बदलाखोरी हो रही, उत्थे तुसीं धरने लाउंदे हो दिल्ली जाके सारा सारा दिन धुप्पे बैठ के बाहरले पासे, ते पंजाब दे विच उसे विजिलेंस दे राहीं तुसीं अपने विरोधियां ते जिहड़ा मीडिया तुहाडे आखे नहीं लगदा तुसीं उत्ते परचे दो। आ तुहाडे सामने मैं जींदी जागदी मिसाल आ, मेरे ते पिछले दिनों में दो मन घड़त झूठियां बेबुनियाद FIR दर्ज की गई। एक जिद्दन मैं गवर्नर नूं मिलना 1 तरीक नूं, 2 तरीक नूं एक पुरानी FIR मेरे खिलाफ एक बिल्कुल बोगस, उहदे च SDM पलाथ नूं दबा पा के उहदे च एक नॉन अवेलेबल सैक्शन जोड़ दिंदे ने ताकि मैनूं अरैसट किया जा सके। जदों मैनूं उहदे च जमानत मिलती है 11 तरीक नूं 12 नूं, मैनूं पता लगता कि 11 रात नूं एक होर FIR 51 साल पुराना मेरा रेवन्यू रिकॉर्ड कट के मेरे परिवार का 51 ईयर्स ओल्ड 1972 दा, और शिकायतकर्ता कौन है जिन्हें इतने 2 बारी जमानत जब्त हुई, मतलब जिन्हों के नाल मेरा कोई जमीन का तबादला होया, वो नहीं आ रहे शिकायत करने वास्ते, शिकायतकर्ता आ रहा जिहड़ा प्रोफेसनल नोन मेरा पोलीटिकल ओपोनेंट है। तो मेरे ते 2 परचे दर्ज, उहदे विच भी वाहिगुरु की कृपा दे नाल कोर्ट ने मैनूं राहत दे दित्ती। सो मान साहब मैं तुहानूं कहना चाहुंदा कि ठीक है तुसीं कहिंदे कि निजी हमले नहीं होने चाहिए, अंडरस्टुड, और मैं अपनी पार्टी तो उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह की गल तो गुरेज करिए, परंतु जिहड़े पब्लिक डोमेन लोगों के मुद्दे भटक रहे हैं उन्होंने तो ता जवाब बनता ना। तुम पिछले कटारू चकदा पिछले 50 दिन का जवाब ही नहीं दे रहे, कि जवाब मंगया भी तो तुम कहता जी मैं तो हले वीडियो देखी नहीं गई, फिर तुम कहता वो निजी लाइफ है जी, ये निजी लाइफ नहीं गई, वोड़ी निजी लाइफ हो सकती है, तुम एक आफ्टरऑल तोड़ा एक पहला रिश्ता जोड़ा है कानूनी तौर पर खत्म होया, डिवोर्स होया, अपनी वो शादी दूसरी करा ली, नो ऑबजैक्शन एट ऑल, लेकिन कटारू चकदा परिवार हले जींदा जागता वा, और एक मुंडे ना बदफैली कर रहा, isn't this a issue connected with the people of Punjab? और दूसरा मैं जरा क्या वा कि प्रेस की आज़ादी, तुसी सारे देश में घूम रहे हो इस वेले, चीफ मिनिस्टर साहब केजरीवाल साहब नूं नाल लैके मान साहब नूं तां ले जाया जांदा क्योंकि इहदे जहाज़ की वरतों करनी, अदरवाइज इन्हां नूं जाण दी लोड़ नहीं सी, क्योंकि पंजाब सरकार का जहाज आ, वह कभी तमिलनाडु जा रहा कभी महाराष्ट्र जा रहा, कल वो लखनऊ गए हुए सीगे, जाओ जी सदके, पर उत्थे तुसीं की कहने जा के कि साडे नाल एक अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन कर रही BJP साडे खिलाफ एक ऑर्डिनेंस पास करता दिल्ली दे सरकार दे पर कट दिते ने। पर तुसीं ये दस्सो मैनूं कि तुसीं की BJP दी जो जम्मू कश्मीर दे 3 टोटे किए गए तुसीं BJP नूं वोटां पाईआं कि नहीं पाईआं सी, और जो तुसीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स BJP दे एलिज कर रहे हो
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਰਚੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ NSA ਲਾਈ ਸੀਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਸੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂਗਾ? ਸੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ BJP ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਫੇਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਪਾੜਾ ਸਾਡਾ MLA ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਕੀ ਨੂੰ ਐਕਸ MLA ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮਤ ਰੋਵੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ MLA ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਕੋਟਫੱਤਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ ਇਨ ਯੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।